नमस्कार दोस्तों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दीपावली स्पेशल बेसन के लड्डू, जिसको हम ड्राई फ्रूट्स डालकर बनाएंगे। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप घर की चीज़ों से बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमको चाहिए कढ़ाई। कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है। अब इसमें डालेंगे देसी घी आधा कप, एक कप छना हुआ बेसन। ये बेसन घर का ही पिसाया हुआ है, घर का ही घी है। बेसन और घी तो सभी के यहाँ रहता है, तो आप इस लड्डू को ज़रूर बनाएं इस दीपावली। गणेश जी खुश हो जाएंगे। बाजार का जो हम लड्डू लाते हैं तो पता नहीं कितने दिन का बना हुआ रहता है। त्यौहार के समय में तो इकट्ठा ही मिठाई बन जाती है, तो आप इसको घर में ही बनाएं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये लग रहा है देखने में। अभी मैंने कोई कलर का नहीं यूज किया है, बिल्कुल मैं धीमी आंच में इसको भून रही हूँ। लगातार भूनते हुए हम इसको पकाएंगे, उसके बाद ये गीला हो जाएगा। जब अच्छे से भून जाता है तो ये गीला हो जाता है, अपने आप घी छोड़ देता है। तो आप ये ना सोचें कि ये सूखा है, अब ऐसे ही भूनते रहें लगातार धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कितना गीला हो गया है। ऐसे ही हमको भूनना है। अगर आपका मन कर रहा है कि इसमें कलर थोड़ा सा डाल दें तो आप डाल सकते हैं। अगर बिना कलर का बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें कलर डालूंगी, देखने में बिल्कुल ये हलवाई जैसे के लड्डू लगे, इसलिए इसमें कलर में डालूंगी। तो आप कोई भी फूड कलर डाल सकते हैं। फूड कलर नहीं है तो आप हल्दी का यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दें कलर को। बेसन हमारा बहुत ही बढ़िया भुन गया है। जब अच्छे से बेसन भुन जाए उसके बाद ही कलर का यूज करें, वरना पता नहीं चलेगा कि हमारा बेसन भुन गया है या नहीं। बेसन से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, तो इसका मतलब है हमारा बेसन पक चुका है। गैस से मैंने नीचे उतार दिया है, अब ये हल्का ठंडा हो चुका है। जब ये हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद ही भूरा चीनी डालें। एक कप बेसन में एक कप भूरा चीनी पड़ती है, इससे ज़्यादा डालेंगे तो लड्डू हमारे अच्छे नहीं लगेंगे, इसमें बेसन का टेस्ट नहीं आएगा। अच्छे से हाथों से इसको हम मिक्स कर देंगे। अभी ये गर्म है, ज़्यादा गर्म ना रहे तभी आप इसको मिक्स करें, वरना चीनी हमारी घुल जाएगी। बेसन और चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़े से मनचाहे आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसमें मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, गरी चार चीज़ों का यूज किया है। किशमिश भी 3-4 मैंने डाली हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि किशमिश का टेस्ट लड्डू में कम अच्छा लगेगा, तो आप कम ही यूज करें। और काजू बादाम आप खूब सारा डाल सकते हैं, लड्डू बहुत ही टेस्टी लगेंगे। जिस साइज़ के आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं। मैं थोड़े से मीडियम साइज़ के बनाती हूँ, जैसे कि लड्डू बनाए जाते हैं। ऐसे ही हम बांध लेंगे। बहुत ही आसान है बनाना, इसको बच्चे भी बना सकते हैं। तो आप इस लड्डू को इस दीपावली ज़रूर बनाएं। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस लड्डू को ज़रूर बनाकर ट्राई करें। शुद्ध तरीके से हमारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं गणेश जी को भोग लगाने के लिए। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।